वीरांगना पूलन देवी का जन्म दिवस मना रहे हैं और इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उद्घाटक के तौर पर माननीय बीके बातम जी और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट जे एस कश्यप साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मनोज कुमार जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉक्टर अकमल साहब और हमारे समाज में यानी कि बहुजन समाज में जन्मे हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को मैं उन्हें जय भारत जय संविधान बोलती हूँ। साथियों, वीरांगना फूलन देवी का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं तो हम क्यों मना रहे हैं, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी बातें की फूलन देवी जी के विषय में, बातें की राजनीतिक बातें की और सबने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जो हमारा इस चर्चा का विषय रखा गया है कि संविधान लागू हुए 72 साल हो गए और 72 सालों की आजादी में यानी संविधान लागू हुए आजादी के 74 साल पूरे हो गए हैं, 75वां साल चल रहा है, लेकिन संविधान लागू हुए 72 साल हुए तो क्या 72 साल के समय में हमारी जो महिलाएं 50% की हैं, जो उनको अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए अपनी संख्या के अनुपात में, क्या उन्हें वो हक और अधिकार मिला? हमें ये विचार करना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं मिला। भाई 50% की आबादी महिलाओं की है, उन्हें 50% आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए, इस पर हम विचार ही नहीं कर रहे। केवल उनको घर की चहर दीवारी में कैद करके हमने रखा हुआ है और इसलिए रखा है कि अगर हम उसको घर से बाहर निकालते हैं, ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में हम उनको ले जाते हैं तो उनको सही और गलत की जानकारी होगी, दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी और वो खुद निर्णय लेने के काबिल हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने घर की चहर दीवारी में जो नियम बनाया हुआ है, जो सिस्टम लागू किया है और जो हम उस पर रोक चलाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे आगे निकल जाए। यानी कि जो दुश्मनों ने हमारे साथ किया वही आज हमारे घर के पुरुष भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम फूलन देवी का जन्म दिवस मना रहे हैं, एक महिला का जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन अगर महिला के नाम पर हम ये सोचते कि महिला का जन्म दिवस है, वीरांगना का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो अपने घर से एक एक महिलाओं को लेकर के जरूर आते। और यहां पर महिलाओं की संख्या ना दिखने का कारण यही है जो हमने बताया कि आपकी वही मानसिकता है जो मानसिकता दुश्मनों की है। और यहां पर बातें कर रहे हैं कि फूलन देवी वीरांगना थी,
चाहते हैं कि फूलन देवी जैसी महिला पैदा हो, झलकारी बाई जैसी महिला पैदा हो, उदा देवी जैसी महिला पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं पैदा होनी चाहिए, पड़ोस के घर में पैदा होनी चाहिए। ये मानसिकता हमारे लोगों की है। अरे एक महिला ने उसके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, उसने शोषण के विरोध में अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार के बदले में उसने बदला लिया। 22 लोगों को, 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके उसने गोली मारी। इसका तो आप बहुत बखान कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे समाज की बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, हमारे घर की बच्ची के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है इन मनुवादियों के द्वारा, तो हम उसको क्या कहते हैं? अपनी बेटी को, बेटी चुप रख। ये इज्जत का सवाल है, ये घर का सवाल है। अगर ये बात बाहर जाएगी तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, इसलिए शांत बैठ जा। उसके विरोध में उसको आगे नहीं आने देते, जबकि उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, फूलन देवी के विषय में बताना चाहिए। उसने वो अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का बदला लिया था, अगर तेरे साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ है तो तुझे भी अपने अन्याय अत्याचार का बदला लेना है, जब मैं तुझे छोड़ता हूं। क्या ऐसा आप कहते हैं? ऐसा नहीं कहते, बल्कि उसका मनोबल डाउन करते हैं आप। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूं मेरे भाइयों कि कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी और आशा राम बापू जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहती हूं कि शासक वर्ग के लोगों ने जो आज इस देश में, इस समाज में जो आतंक फैला करके रखा हुआ है, उस आतंक के खिलाफ अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को हमें प्रोत्साहन देना है कि जो है इस अन्याय अत्याचार के विरोध में लड़ाई लड़ो। हमें यह करना होगा। आज आजादी के 74 साल पूरे हो गए, लेकिन 74 साल की आजादी में हमारे देश की समस्याएं खत्म नहीं हुई है। जो मध्यम वर्ग का भाई है वह गरीबी की कगार पे पहुंच रहा है, और जो गरीब है उसको दो वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो रहा है, और वर्तमान सरकार योजनाओं का ढिढोरा पीट रही है। इस सारी योजना का लाभ ये जो 85% समाज के लोग हैं उनको दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहते हो कि वर्तमान सरकार जो योजनाओं का लाभ दे रही है वो आप तक पहुंच पा रहा है क्या? वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि बीच में बैठे हुए शासन सत्ता में लोग हजम कर जा रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम 85% समाज के लोगों को, उनको उनका हक और अधिकार हम दे रहे। सारे हक और अधिकार खत्म हो रहे। जो हमारे समाज के नेता है, एससी और बीसी के नेता है, वो भी अपने मुंह पे ताला लगा करके बैठा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे समाज के जो सांसद और विधायक है वो हाई लेवल का गुलाम है, वो अपने समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार का बदला नहीं लेना चाहता, अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लेना चाहता, अपने मान और सम्मान को हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि इनकी गुलामी और चमचागिरी करने में व्यस्त है। तो हमें इस बात पर समीक्षा करनी चाहिए, हमें इस पर सोचना चाहिए। आज सारे हक और अधिकार समाप्त हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहे, महिलाएं आत्महत्या कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम चुप बैठे हैं, हम शांत बैठे हैं, इसलिए उनका हौसला बढ़ रहा है। वरना सोचिए कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो गुलाम बना हुआ है, वो मांगने वाला बना हुआ है, और जिसकी संख्या 3.5% है वो शासन सत्ता पर कब्जा जमाया हुआ बैठा है। क्यों? हमें इस पर विचार करना होगा, हमें इस पर सोचना होगा। शादियों में ज्यादा बातें ना कह करके समय का अभाव है, मैं अपना पूरा समय कश्यप साहब को देना चाहती हूं, लेकिन एक बात कह करके मैं अपनी बात जरूर खत्म करूंगी। साथियों, आज लोकतंत्र के चारों पिलर पर केवल शासक वर्ग लोगों का ही कब्जा है। हमारे लोग शासक वर्ग शब्द भी नहीं समझ पाते हैं कि शासक वर्ग क्या है।
पूरी व्यवस्था होती है। और व्यवस्था दो प्रकार की होती है, समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था। दुनिया का यह सिद्धांत है कि समाज व्यवस्था जिसके नियंत्रण में होती है, राज व्यवस्था भी उसी के नियंत्रण में होती है। और भारत की जो समाज व्यवस्था है वो जातियों पर आधारित है, जातियां वर्ण व्यवस्था से बनी है। और वर्ण व्यवस्था में जो शासक वर्ग है, ब्राह्मण है, मनुवादी है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जब देश की सारी व्यवस्थाओं पर शासक वर्गों का ही नियंत्रण है, तब देश में लाचारी, बेगारी, अन्याय, बलात्कार, भ्रष्टाचार, भुखमरी जैसी समस्या क्यों खड़ी हो रही है? साथियों, अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो इसके दो कारणों का पता चलता है। एक तो जो इस देश पर राज कर रहा है उसकी संख्या कम है, और दूसरा उस देश का रहने वाला नहीं। शासक वर्ग जानता है कि जब तक इस देश का 85% समाज आपस में लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, इनमें एकता नहीं होगी, तब तक हम भारत की शासन सत्ता पर अनियंत्रित नियंत्रण बनाए रहेंगे, और इस देश का जो 85% समाज है वो हमारा गुलाम बना रहेगा। तो हमें इस पर सोचना चाहिए। भारत जब आजाद हुआ, अंग्रेजों से जब भारत आजाद हुआ, तो लंबे समय तक शासन सत्ता में कौन सी पार्टी रही? कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक शासन सत्ता में रही, और बीच में बीजेपी को भी मौका मिला था कब? 1999 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। लेकिन साथियों, आज वर्तमान में फिर बीजेपी की सरकार है, तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है? यानी कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, साथियों, उनकी संख्या जो है, जो आईएएस अधिकारी है, अभी हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे बीच में है, तो जो आईएएस अधिकारी है सर, आईएएस अधिकारी है साथियों, उनकी संख्या अगर संभवता हम बताएं तो 3600 आईएएस अधिकारी है। 3600 संभवता की बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं है, मैं संभवता की बात करूं क्योंकि अभी एक दो साल का आंकड़ा है, पहले का आंकड़ा है। 3600 आईएएस अधिकारी है, लेकिन 3600 आईएएस अधिकारियों में से 29 से 50 आईएएस अधिकारी यही लोग है, और उसमें जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, हमारे 85% SC ST OBC माइनॉरिटी और इसे धर्म करते, जो हमारे सिख बुद्धिस्ट जैन है, वो लोग है। और अगर न्यायपालिका की बात हम करते हैं तो 600 जज है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पदों की जो संख्या है वो 600 जज है। हमारे यहाँ पर लॉयर लोग हैं, उनको पता होना चाहिए, लेकिन संभवतः 600 लोग, और 600 लोगों में से 582 जज वही है, और उसमें जो बचा हुआ है उसमें हमारे 85% समाज के लोग हैं। न्याय कहाँ होगा? 1919 में अंग्रेजों के द्वारा ही कहा गया था, क्या कहा गया था, कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र होता ही नहीं है, इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है मीडिया को, तो अगर हम कहें तो मीडिया तो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी गुलाम है। भारत की जो मीडिया है हम कहते हैं कि यही पर अगर किसी कांग्रेस का कार्यक्रम होता या फिर बीजेपी का कार्यक्रम होता, किसी मनुवादी व्यवस्था का कार्यक्रम होता, किसी मनुवादी संगठन का कार्यक्रम होता, तो मीडिया की लाइन लग जाती। और यहाँ पर आप रंगना फूलन देवी का एक महिला का आप जन्मदिवस मना रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया यहाँ आई नहीं। बस कमरे में भी अगर ये कार्यक्रम करते तो दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता, प्रिंट मीडिया में आ जाता। लेकिन यकीन के साथ आपको कहती हूँ, कल आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आएगा। इसलिए भारत का जो चौथा लोकतंत्र है मीडिया, वो सबसे बड़ी गुलाम है। हमें इस बात को समझना होगा, भारत में लोकतंत्र ही बल्कि ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। ग्रीन क्षेत्र में अगर हम देखें तो यही लोग बैठे हुए हैं, कैसे होगा हमारा कल्याण, कैसे होगा हमारे समाज का? और जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएट होकर के, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के वो सड़कों पर घूम रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। और जब हमारे बच्चे पकौड़ा तलने के लिए तैयार हुए तो� का दाम बढ़ा दिया। अभी हमारे एक साथ
सिलेंडर का दाम 1150 रुपए हो गया, और जब 400 सिलेंडर का दाम था तो यही सास बहू की सीरियल बनाने वाली स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ गई थी। आज 1150 रुपए सिलेंडर के दाम हो गए, कहां है? और आप कहते हो कि मैं महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे जिन्होंने भी, हमारे ही वक्ता ने कहा कि जिन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया वो दूसरे की महिलाओं का सम्मान क्या कर सकता है। और कहते हैं कि महिलाएं जब घरों में खाना बनाती है, उज्ज्वला भविष्य योजना उन्होंने लाया और उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं जब चूल्हों पर खाना बनाती है तो उनके आंखों से जो आंसू निकलता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। उज्ज्वला तो दे दिया लेकिन सिलेंडर के दाम कौन देगा, उसके गैस का दाम कौन देगा? कोने में पड़ा हुआ सिलेंडर लकड़ी पर खाना बन रहा है, चूल्हे पे खाना बन रहा है, तो ये बात हमारी महिलाओं को समझना होगा। और तमाम पार्टियां चिल्लाती है विकास विकास विकास, हम देश का विकास करेंगे, विकास के नाम पर चिल्लाती है। और विकास के नाम पर क्या होता है? मेट्रो होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है, ये होता है। और जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जो गरीब जनता है, उसके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज आता है। क्या इसी को विकास कहते हैं कि 5 किलो अनाज उसको 1 महीने में दे दो उसका विकास हो गया? अगर इसी को विकास कहते हैं तो मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए, मुझे देश और प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, बल्कि देश और प्रदेश में जो हमारे लोग रह रहे हैं, जो मजबूर गरीब लाचार लोग रह रहे हैं उनका विकास हमको चाहिए। तो विकास की बातें बंद कर दीजिए, विकास विकास आप जो बोलते हो विकास की बातें बंद कर दीजिए। आप लोगों को इस बात को समझना होगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि फूलन देवी ने जो अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का बदला लिया, और जब उन्होंने बदला लिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक वाक्य कहा था और उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो किया 22 लोगों को गोलियों से भूना, मैंने जो किया वो मेरी नजर में सही था लेकिन लोगों की नजर में गलत था, लेकिन मैंने जो किया ये सही था। इसी तरह से मैं आपसे यह अपील करना चाहती हूँ कि अपने बेटियों का अपनी बच्चियों का प्रोत्साहन करें, उत्साह वर्धन करें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, ताकि हमारा जो समाज है आज जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक समाज होना चाहिए। और 50% हमारी महिलाओं को 50% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और आने वाले समय में यदि मेरे भाइयों आप लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का अवसर दिया तो हम क्या करने वाले हैं आपको बता देते। यदि आपने बहुजन मुक्ति पार्टी को अवसर दिया तो हम महिलाओं के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू करेंगे, महिलाओं के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू करेंगे। और महिलाओं के हो रहे उपन्याय अत्याचार वो खुद अपना बदला ले सके, इसके लिए हम मुफ्त में उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे, हथियार रखने का लाइसेंस देंगे, ताकि वो गोली और बंदूक चला सके और अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। और आप लोग ऐसा करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अपनी बच्चियों का उत्साह वर्धन करेंगे और आगे भी कोई भी कार्यक्रम ऐसा लगता है तो उनको घर से बाहर जरूर निकाले, तभी हमारा देश मातृसत्तात्मक बन सकता है और ये इस देश से जो क्राइम है वो खत्म हो सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय भारत, जय संविधान।